नमस्कार, मैं दिबांजी मोइत्रा। राजस्थान में सियासी संकट गहराता जा रहा है। हालांकि अशोक गहलोत ने जिस तरह से कांग्रेस के विधायकों को एकजुट किया हुआ है, उसे तो यही लगता है कि फिलहाल उनकी सरकार पर कोई संकट नहीं। लेकिन ऑडियो टेप के सामने आने के बाद सियासत में भूचाल आ गया। बीजेपी के बाद अब बीएसपी सुप्रीमो ने भी कांग्रेस को निशाने पर लिया। मायावती ने दो ट्वीट के जरिए गहलोत सरकार पर निशाना साधा। मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा, जैसा कि विदित है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत ने पहले दल बदल कानून का खुला उल्लंघन और बीएसपी के साथ लगातार दूसरी बार दगाबाजी करके पार्टी के विधायकों को कांग्रेस में शामिल कराया और अब जग जाहिर तौर पर फोन टेप करा के इन्होंने एक और गैर कानूनी व असंवैधानिक काम किया। दूसरे ट्वीट में लिखा, इस प्रकार राजस्थान में लगातार जारी राजनीतिक गतिरोध, आपसी उठापटक व सरकारी अस्थिरता के हालात का वहां के राज्यपाल को प्रभावी संज्ञान लेकर वहां राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करनी चाहिए, ताकि राज्य में लोकतंत्र की और ज्यादा दुर्दशा ना। दरअसल मायावती इसलिए भी गहलोत सरकार से नाराज है क्योंकि राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायकों को कांग्रेस में शामिल करा लिया गया था। हालांकि ये कहा जा रहा है कि बीएसपी कोर्ट भी जा सकती है। ऐसे में गहलोत सरकार पर मायावती के आरोपों से तो यही लगता है कि आने वाले दिनों में राजस्थान की सियासत पर मायावती की भी नजर रहेगी।